A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Raheem. Dear viewers and subscribers, I am Professor Khizar Abbas and you are watching my YouTube channel Real TV FTA. Real TV FTA ki taraf se first year English ki translation ka silsila jari hai. Pehle teen asbaq ki translation hum mukammal kar chuke hain aur aaj hum padhenge chapter number 4 thank you ma'am ki translation. कि किस तरह एक लड़का एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है और औरत उस लड़के को पकड़ के घर ले आती है, उसका मुंह धुलवाती है, उसे खाना खिलाती है और नसीहतें करके भेजती है, तो इसका मतलब यह है कि जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से नहीं, उसके साथ जो है प्यार करें और उसे सही गाइड करने की कोशिश करें. तो औरत जो है उसे गाइड करके भेजती है कि बेटा फिर चोरी वाला काम नहीं करना. तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. ये लैंगस्टन हाउस का लिखा हुआ सबक है. शी वाज अ लार्ज वुमन, वो एक बड़ी औरत थी. विद अ लार्ज पर्स, जिसके पास एक बड़ा पर्स था. दैट हैड एवरीथिंग, जिसमें हर चीज थी. नेट, जिसके अंदर हर चीज थी. बट हैड हैमर एंड अ नेल, हथौड़े और कीलों के सिवा उसमें हर चीज थी. मतलब ये कि हर चीज ही थी उसके अंदर. अब हथौड़ा और कील पर्स में तो नहीं होते. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी एक लंबी पट्टी थी. एंड शी कैरिड इट, और उसने इसे उठाया हुआ था. स्लंग, लटका कर, अक्रॉस हर शोल्डर, अपने कंधे पर. और उसने उसे अपने कंधे पर लटकाया हुआ था. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था. डार्क, अंधेरा था. एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तनहा चल रही थी. वैन, जब ए बॉय, एक लड़का, रैन अप बिहाइंड हर, उसके पीछे भागा. एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की. द स्ट्रैप, पट्टी ब्रोक, टूट गई. विद ए सडन सिंगल टग, एक ही लगने वाले झटके से. सडन, अचानक लगने वाले झटके से. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने पीछे से दिया. बट लेकिन, द बॉयज वेट, लड़के का वजन. एंड वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वजन. कंबाइन, एक साथ हो गए. और कास्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, और उसका तवाजुन खोने का सबब बने. Instead of taking off full blast, पूरी रफ्तार से भागने की बजाय. taking off full blast का मानी पूरी रफ्तार से भागना. as he had hoped, जैसा कि उसे उम्मीद थी. the boy, लड़का, fell on his back, पीठ के बल गिर पड़ा. on the sidewalk, फुटपाथ पर. sidewalk कहते हैं फुटपाथ को. and his legs, उसकी टांगें, flew up, ऊपर को हो गईं. The large woman, बड़ी औरत, सिंपली सादगी से turned round, वापस मुड़ी. एंड kicked him, और उसे ठोकर मारी. right square, his blue jean sitter, right square, बिल्कुल सीधे. in his blue jean sitter, नीली जीन के पिछले हिस्से पर. then she reached down, फिर वो नीचे झुकी. picked the boy up by his shirt front, लड़के को shirt front, कमीज के अगले हिस्से से पकड़ कर उठाया. and shook him, उसे झटके दिए. until यहाँ तक कि his teeth rattled, उसके दांत बजने लगे. After that, इसके बाद, the woman said, औरत ने कहा, pick up my pocket book boy, लड़के मेरा पर्स उठाओ. and give it here, और उसे यहाँ दो. she still, उसने अभी तक held him, उसे पकड़ रखा था tightly, मजबूती से. but लेकिन, she bent down enough, लेकिन वो काफी नीचे झुक गई. to permit him, कि उसे इस बात की इजाजत दें. to stoop, के वो झुके. and pick up her purse, और उसका पर्स उठाएं. Then she said, फिर उसने कहा, now अब ain't you ashamed of yourself, क्या आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी नहीं है. firmly, मजबूती से, grip पकड़े हुए. by shirt front, गरेबान से, अपने गरेबान से मजबूती से पकड़े हुए. the boy said, लड़के ने कहा, yes ma'am, जी मैडम. the woman said, औरत ने कहा, what did you want to do it for, तुम ऐसा किस लिए करना चाहते थे. The boy said, लड़के ने कहा, I didn't aim to, मेरा कोई मकसद नहीं था. She said, उसने कहा, you were lying, तुमने झूठ बोला. by that time, उस वक्त तक, 2 or 3 people, दो या तीन लोग, passed, गुजरे, stopped, रुके, turned to look, देखने के लिए मुड़े. and some, और कुछ, stood watching, खड़े होकर देखते रहे. if I turn you loose, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, will you run, क्या तुम भाग जाओगे. asked the woman, औरत ने पूछा. यस एम जी मैडम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा. देन, तब, आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. सेड द वोमैन, औरत ने कहा. शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे ना छोड़ा. लेडी खातून, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है. विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की. योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है. आई गॉट अ ग्रेट माइंड,
टू वॉश योर फेस फॉर यू आई ग्रेट अ ग्रेट माइंड मेरा बड़ा ख्याल है टू वॉश योर फेस फॉर यू के तुम्हारे लिए मुंह धुलवाऊं तुम्हारा एंट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं टू टेल ये बताने के लिए यू तुम्हें टू वॉश योर फेस के तुम अपना मुंह धो लो नो नहीं मैडम सेड द बॉय लड़के ने कहा देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग फिर तो ये आज शाम धुलेगा सेड द लार्ज वुमन बड़ी औरत ने कहा स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट गली में रवाना होते हुए ड्रैगिंग वो घसीट रही थी दी फ्राइटेंड खौफ ज्यादा बॉय लड़के को बिहाइंड हर अपने पीछे ही लुक्ड वो दिखाई दिया एज इफ गोया ही वर 14 आर 15 उसकी उम्र 14 या 15 साल है फ्राइल दुबला पतला एंड विलो वाइल्ड कमजोर सा विलो वाइल्ड जंगली बेद ये दरख्त होता है एक बिल्कुल बरीक टहनियों वाला इसलिए किसी बरीक शख्स को भी हम विलो वाइल्ड कह सकते हैं इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स उसने टेनिस वाले जूते और नीली जीन पहनी हुई थी दी वोमैन सैड औरत ने कहा यू ऑट टू बी माई सन तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग तो मैं तुम्हें गलत से सही का इंतखाब या सही से गलत का इंतखाब सिखाती अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें सही से गलत का इंतखाब सिखाती लेस्ट आई कैन डू कम अज कम जो मैं कर सकती हूँ राइट ठीक इज टू वॉश योर फेस तुम्हारा चेहरा धुलवाना है आर यू हंगरी क्या तुम भूखे हो नॉम नहीं मैडम सेट द बींग ड्रैग बॉय घसीटे जाए हमारे लड़के ने कहा आई जस्ट मैं बस वांट चाहता हूँ यू आपको टू टर्न मी लूज कि आप मुझे छोड़ दें आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें वाज आई बॉदरिंग यू क्या मैं आपको परेशान कर रही थी वैन आई टर्न दैट कॉर्नर जब मैं उस कोने पर मुड़ी आज द वमैन औरत ने पूछा नॉम नहीं मैडम बट लैकन यू पुट यूर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी बट लैकन यू तुमने पुट यूर सेल्फ खुद को डाला इन कॉन्टेक्ट रबते में विद मी मेरे साथ रबते में डाला सेड द वमैन औरत ने कहा इफ़ यू थिंक अगर तुम सोचते हो दैट के दैट कॉन्टैक्ट वो ताल्लुक इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल कुछ देर तक नहीं चलेगा यू गॉट अनदर थाट कमिंग तो आपके जहन में एक और ख्याल आ गया वैन आई जब आई गेट थ्रू विद यू सर जब मैं आपके साथ हिसाब करूँगी यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेज विला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स तो आप मिसेज विला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को याद रखेंगे स्वेट पसीना पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस लड़के के चेहरे से निकला एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल और वो कोशिश करने लगा मिसेज जॉन्स स्टॉप रुक गई जर्कड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर जर्कड हिम उसे झटका दिया अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर अपने सामने किया पुट ए हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक उसकी गर्दन में हाफ नेल्सन बाजू का आधा हल्का लगाया एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम और उसे घसीटती चली गई अप द स्ट्रीट गली में वैन जब शी गॉट टू हर डोर वो अपने दरवाजे पर पहुंची शी ड्रैग द बॉय इनसाइड वो घसीट कर लड़के को अंदर ले गई डाउन अ हॉल नीचे एक हॉल में एंड इन टू ए लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम और एक बड़े से बर्ची खाने की तरह सजे हुए कमरे में या बर्ची खाने के साथ सजे हुए कमरे में कमरे के अंदर ही बर्ची खाना था एट रियर ऑफ द हाउस घर के पिछले हिस्से में शी स्विच्ड ऑन द लाइट उसने लाइट जलाई एंड लेफ्ट द डोर ओपन और दरवाजे को खुला छोड़ दिया द बॉय लड़का कुड हेयर सुन सकता था अदर रूमर दूसरे कमरे वालों को लाफिंग के वो हंस रहे हैं एंड टॉकिंग और बातें कर रहे हैं इन द लार्ज हाउस बड़े से घर में सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन उनमें से कुछ के दरवाजे खुले थे टू भी सो ही न्यू इसलिए उसने जान लिया ही एंड द वोमैन के वो औरत वर नॉट अलोन तनहा नहीं थे द वोमैन औरत ने स्टिल अभी तक हेल्ड हिम उसे पकड़ रखा था बाय द नेक गर्दन से इन द मिडल ऑफ अ रूम कमरे के दरमियान में शी सेड उसने कहा व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है रोजर आस्क्ड द बॉय रोजर लड़के ने कहा देन रोजर फिर रोजर यू गो टू दैट सिंक तुम उस सिंक पर जाओ एंड वॉश योर फेस और अपना चेहरा धो लो सेड द वोमैन औरत ने कहा वेयर अपॉन जिस पर शी टर्न्ड हिम लूज उसने उसे छोड़ दिया एट लास्ट आखिरकार रॉजर लुक्ड एट द डोर रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा लुक्ड एट द वोमैन औरत की तरफ देखा लुक्ड एट द डोर दरवाजे की तरफ देखा एंड वेंट टू द सिंक और सिंक पर चला गया लेट द वाटर रन पानी को बहने दो अंटिल इट गेट्स वार्म यहाँ तक कि यह गर्म हो जाए शी सेड उसने कहा हेयर इज ए क्लीन टॉवल ये है एक साफ तौलिया यू गोना टेक मी टू जेल तुम मुझे जेल ले जाओगी आज द बॉय लड़के ने कहा बेंडिंग ओवर द सिंक पर झुकते हुए नो नहीं विद दैट फेस इस मुंह के साथ तो नहीं आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी सेड द वोमैन औरत ने कहा
Here, यहाँ I am trying, मैं कोशिश कर रही हूँ to get home, घर पहुँचने की. Look me a bite to eat, कि मैं खाने के लिए कुछ पका लूँ. And you snatch my pocketbook, और तुम मेरा पर्स छीनते हो. Maybe you ain't been to your supper either, हो सकता है तुमने भी रात का खाना नहीं खाया. Let as it be, देर तो हो गई. Have you, क्या तुमने खा लिया. There is nobody home at my house, मेरे घर में तो कोई भी नहीं. Said the boy, लड़के ने कहा. Then we shall eat, फिर हम खाएंगे. Said the woman, औरत ने कहा. I believe, मुझे यकीन है. You are hungry, तुम भूखे हो. Are been hungry, या भूखे रहे हो. To try to snatch my pocketbook, के मेरा पर्स छीनने की कोशिश की. I want, मैं चाहता हूँ. A pair of blue suede shoes, नीले चमड़े के जूतों का जोड़ा. Said the boy, लड़के ने कहा. Well, अच्छा. You didn't have to snatch my pocketbook, तुम्हें मेरा पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी. To get some suede shoes, चमड़े के जूते लेने के लिए. Said Mrs. Louisa Bates Washington Jones, Mrs. Louisa Bates Washington Jones ने कहा. You could have asked me, तुम मुझसे मांग सकते थे. Ma'am, madam, the water was dripping, पानी बह रहा था, टपक रहा था. From his face, उसके चेहरे से. The boy, लड़के ने. Looked at her, उसकी तरफ देखा. There was a long pause, एक तवील वक्फा आया. A very long pause, एक बहुत तवील वक्फा. After, इसके बाद. He had dried his face, उसने अपना चेहरा खुश किया. And not knowing, और नहीं जानता था. What else to do, और क्या करे. Dried it again, इसे फिर खुश किया. The boy, लड़का. Turned round, वापस मुड़ा. Wondering, ये सोचते हुए. What next, के इसके बाद क्या होगा. The door was open, दरवाज़ा खुला पड़ा था. He could make a dash for it, वो इसके लिए छलांग लगा सकता था. Down the hall, और नीचे हाल में जा सकता था. He could run, 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 वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था. The woman, औरत. Was sitting, बैठी थी. On the day bed, day bed पर. डे बेड यानी सोफा. आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद. शी सेड, उसने कहा. आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी. एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, और मैं वो चीज़ें चाहती थी जिन्हें मैं नहीं ले सकती थी. देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक और तवील वक्फा आया. द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुँह खुला. देन ही फ्राउंड, फिर उसने तेवरी चढ़ाई. नॉट नोइंग ही फ्राउंड, ये ना जानते हुए कि उसने तेवरी चढ़ाई. The woman said, औरत ने कहा. You thought, तुमने सोचा. I was going to say, मैं कहने जा रही थी. But lacking, didn't you, क्या तुमने नहीं. You thought, तुमने सोचा. I was going to say, मैं कहने जा रही थी. But I did not snatch people's pocketbooks, लेकिन मैं लोगों के पर्स नहीं छीनती थी. Well, अच्छा. I was not going to say that, अच्छा मैं ये कहने नहीं जा रही थी. Pause, वक्फा, silence, खामोशी. I have done things too, मैंने भी काम किए हैं. Which I would not tell you, son, जो बेटा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी. Everybody's got something in common, हर किसी में कुछ ना कुछ मुश्तरक होता है. So, इसलिए. You sit down, तुम बैठ जाओ. While I fix up something to eat, और मैं खाने के लिए कुछ तैयार कर लूँ. Fix up का मतलब तैयार कर लूँ, बना लूँ. You might run that comb through your hair, तुम ये कंघी अपने बालों में फेर लो. So you will look presentable, ताकि तुम देखने के काबिल लगो. In other corner of the room, कमरे के दूसरे कोने में. Behind a screen, पर्दे के पीछे. वाज थी. गैस प्लेट, गैस वाली प्लेट यानी गैस चूल्हा. And an ice box, और एक बर्फानी डिब्बा यानी फ्रिज. एक गैस वाला चूल्हा और छोटी फ्रिज थी. Mrs. Jones got up, Mrs. Jones उठी. And went behind the screen, पर्दे के पीछे चली गई. The woman, औरत ने. Did not watch the boy, लड़के को ना देखा. To see, ये देखने के लिए. If he was going to run now, क्या अब वो भागने लगा है. Nor did she watch her purse, और ना ही उसने अपना पर्स देखा. Which she had left behind her on the day bed, जो अपने पीछे डे बेड पर छोड़ आई थी. But lacking, the boy took care to sit on the far side of the room, लेकिन लड़के ने ख्याल रखा कि वो कमरे की दूर वाली साइड में बैठा रहा. Away from the purse, पर्स से दूर. Where, जहाँ. He thought, उसने सोचा. She could easily, वो आसानी से. See him, उसे देख सकती है. Out of the corner of her eye, अपनी आँख के कोने से. If she wanted to, अगर वो चाहती तो. He did not trust the woman, not to trust him. He did not trust, वो भरोसा नहीं करता था. The woman, औरत पर. Not to trust him, कि उस पर भरोसा ना करे. Double negative का मतलब positive, यानी वो चाहता था कि औरत उस पर भरोसा करे. And he did not want to be mistrusted now, और अब वो बदएतमादी का शिकार नहीं होना चाहता था. Do you need, क्या आपको ज़रूरत है. Somebody, किसी की. To go to the store, स्टोर पर जाने के लिए.
क्या आपको स्टोर पर जाने के लिए किसी की ज़रूरत है? आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी शायद टू गेट सम मिल्क आर समथिंग, दूध या कोई और चीज़ लाने के लिए। डोंट बिलीव, यकीन नहीं। आई डू, के मुझे है। सेड द वुमन, औरत ने कहा। अनलेस, मगर ये कि यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, तुम्हें खुद मीठा दूध चाहिए। आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोवा, मैं कोकोवा बनाने जा रही थी। आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, इस डिब्बे में बंद दूध से। आई गॉट हेयर, जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। दैट विल बी फाइन, ये अच्छा रहेगा। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स, उसने कुछ लाइमा की फलियाँ गर्म की। एंड बीफ, और बड़ा गोश्त। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके पास बर्फ वाले डिब्बे में था, यानी फ्रिज में था। मेड द कोकोवा, कोकोवा चॉकलेट वाला दूध बनाया। एंड सेट द टेबल, और मेज सजा दी। द वोमैन, औरत ने डिड नॉट, नहीं आस्क, पूछा। द बॉय, लड़के से एनी थिंग, कुछ भी। अबाउट वेयर ही लिव्ड, के वो कहाँ रहता था। आर इज फोक्स, या उसके रिश्तेदारों के बारे में। और एनी थिंग एल्स, या कोई और चीज़। दैट वुड एम्बेरस हिम, जो उसे शर्मिंदा कर सके। इंस्टेड, इसकी बजाय। एज द एट, जब उन्होंने खाया। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। अबाउट हर जॉब इन ए होटल ब्यूटी शॉप, होटल की ब्यूटी शॉप में अपनी नौकरी के बारे में। दैट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुली रहती थी। वट द वर्क वॉज लाइक, काम कैसा था। एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वुमेन, और किस तरह हर किस्म की औरतें। केम एंड आउट, आती जाती थी। ब्लाउंड, सुनहरी बालों वाली। रेड हेड, सुर्ख बालों वाली। एंड स्पेनिश, और स्पेनिश। देन शी कट हिम हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने उसे अपना 10 सेंट वाला केक आधा काट कर दिया। ईट सम मोर सन, बेटा कुछ और खाओ, शी सेड, उसने कहा। When they were finished eating, जब उन्होंने खाना खत्म किया। She got up, उठी and said, कहा, Now up here, यहाँ, take this $10, ये $10 लो, and buy yourself some blue suede shoes, and buy yourself, और अपने लिए खरीद लेना, some blue नीले suede shoes, चमड़े के जूते, and next time, अगली मर्तबा, do not make the mistake, गलती मत करना, of latching onto, छीनना, झपटना, माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स, और एनी बॉडी एल्सेस, किसी और का, अगली बार मेरा या किसी और का पर्स छीनने की गलती ना करना। बिकॉज, क्योंकि शूज गट बाई डब्लिश वेज, बुरे तरीकों से हासिल किए गए जूते विल बर्न योर फीट, तुम्हारे पैर जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन इन, लेकिन अब से आगे सन बेटा। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बिहेव योर सेल्फ, अपना रवैया ठीक रखेंगे। शी लेट हिम डाउन, वो उसे नीचे ले गई थी हाल, टू द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर। एंड ओपनड इट, इसे खोल दिया। गुड नाइट, शब खैर। बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के अपना रवैया ठीक कर लो। शी सेड, उसने कहा। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। इन टू द स्ट्रीट, गली में। एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियों से नीचे गया। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, लड़का थैंक यू मैम के अलावा कुछ और कहना चाहता था। टू मिसेज विला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, मिसेज विला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को। बट लेकिन, ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, उसके होंठों ने हरकत की। ही कुड नॉट इवन से दैट, वो ये भी ना कह सका। एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, जब वो बैरन स्टूप बंजर सीढ़ी के या खाली सीढ़ी के निचले हिस्से से मुड़ा। एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन इन द डोर, दरवाजे में खड़ी बड़ी औरत को देखा। Then she shut the door, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। लो भी बच्चों, इसकी ट्रांसलेशन भी मुकम्मल हो गई। अल्लाह हाफिज़।